Hello everyone, welcome to IFAS. So in this video, we are going to discuss about some important books for your IIT JAM chemistry examination. जो भी आपकी अपकमिंग 2024 एग्जामिनेशन है, जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे यहाँ पर आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर केमिस्ट्री सिलेबस, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, मैम प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन स्टडी मटेरियल कहाँ से ले, कौन सा बुक रेफर करें, तो यहाँ पर उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ. हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स भी है जो मैं आपको बताऊंगी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ऑल बुक्स. सो यहाँ पर आप देख सकते हो रेफरेंस बुक्स फॉर योर केमिस्ट्री आईआईटी जैम 2024 एग्जामिनेशन. ऑनलाइन फॉर्म अभी भी स्टार्ट है, 13 अक्टूबर को ऑफ हो जाएंगे वो ऑनलाइन. आपका जो एप्लीकेशन है आप 13 अक्टूबर को कर सकते हो, अक्टूबर तक जो लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईएफएस के जो भी स्टडी मटेरियल है फॉर योर आईआईटी जैम केमिस्ट्री, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए है, फिजिकल के लिए है, विथ ऑल डिटेल सॉल्यूशंस मटेरियल है यहाँ पर. और हमारी जो भी फैकल्टी है जिन्हें इन सारी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, जो ऑल एग्जाम्स क्वालिफाइड है और उन्होंने ये जो मटेरियल डिज़ाइन किया है वो पूरी पेपर एनालिसिस जो है 10 ईयर्स का पेपर एनालिसिस, PYQs वगैरह सारे चीज़ें देखकर ये जो है आपका स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है. तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है दे कैन परचेज दिस स्टडी मटेरियल फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज ifasonline.com. तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस बुक्स देखेंगे कुछ. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आईआईटी जैम 2024 के लिए कौन से रेफरेंस बुक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ. आप फर्स्टली जो आपका टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप पाविया यूज़ कर सकते हो. क्वालिटेटिव के लिए आप क्रिज है, वैवैन है, लैम्पमन है, ये सारी बुक्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो फॉर दिस टू टॉपिक्स. PS कलसी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये आपके लिए बच्चों, तो PS कलसी की बुक है आपके पास यहाँ पर. बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री एंड कन्फर्मेशन एंड मैकेनिज्म के लिए आप PS कलसी का जो बुक है वो यूज़ कर सकते हो. फाइनर का बुक यूज़ कर सकते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम ऑथर देखेंगे कि मिसलर एंड टार का बुक है. टार का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप प्रेफर कर सकते हो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. डॉगलस कुक, जेम्स हॉलर, स्टैनी क्रूज, इन सारे बुक्स, ये सारे ऑथर्स के बुक है आपके यहाँ पर. इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, हुई का बुक है. हुई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टार इंपॉर्टेंट है, हुई भी आप रेफर कर सकते हो. तो हुई जो आपका है वहाँ पर आपके ये सारे कोऑर्डिनेशन एंड ऑल सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फेमस बुक है JD ली है, जो कि है कंसाइज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्वेला है यहाँ पर, वोगल्स क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, अगेन JD ली, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5th edition, ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके रेफरेंस बुक्स क्या होंगे, तो आप ऑथर्स देख सकते हो यहाँ पे बुक है. देन पीटर एटकिंस का है एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री, थॉमस एंगल एंड फिलिप रेड का है फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स, उसका थर्मोडाइनेमिक्स का जो भी पार्ट है यहाँ पर कवर किया गया है. पीटर एटकिंस का है थ्योरी ऑफ गैसेस, सैमुअल ग्लास्टन का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देन गैबर का है यहाँ पर एडसॉर्प्शन के लिए है इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस. तो ये था हमारा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए. देन इसके बाद हम फिजिकल के और भी कुछ रिमेनिंग बुक्स है वो देखेंगे. शांति नारायण है, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट है यहाँ पर. थॉमस एंगल एंड फिलिप रेड अगेन केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स के लिए, सैमुअल ग्लास्टन अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, केट लेडर है आपका केमिकल काइनेटिक्स के लिए, एंड पीटर एटकिंस है सॉलिड स्टेट के लिए. जो है पीटर एटकिंस के ऑथर जो भी है उनका बुक फेमस है. और जो भी मैंने आपको ये बुक्स बताए उस रिगार्डिंग ही सेम टॉपिक के लिए और भी कुछ बुक्स हैं हमारे पास यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री के लिए. बिसाइड्स दिस पब्लिकेशन मेंशन अबव, द एस्पिरेंट्स कैन ऑल्सो रीड दिस बुक लिस्टेड बिलो फॉर योर IIT जैम प्रिपरेशन फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए RA डे का है, शर्मा वायर का जो बुक है उनका है नाम है
एलिमेंट्री ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल एंड केमिकल एप्लीकेशन। श्रीवास्तवा का है इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच ऑफ द केमिकल एनालिसिस। स्कूग का है एनालिटिकल केमिस्ट्री। रॉबर्ट्स का है मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये सारे बुक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, तो आप इन्हें भी रेफर कर सकते हो। इनमें से कुछ बुक्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, और इन सारे बुक्स को रेफर कर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। या फिर IFAS का जो स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है और इम्प्रूवमेंट है उसमें थोड़ी ज़्यादा। ये सारे रेफरेंस बुक्स का जो वहाँ पर रेफर करके ही वो स्टडी मटेरियल आप सबके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आपको अवेल करना है, जो भी हमारा परचेस करना है आपको स्टडी मटेरियल, उसके लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।